अब हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं। टेक द सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5, तो हम देख चुके इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स। तो हमने सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स ले ली, हमने टेस्ट ट्यूब ले ली। कितने सैंपल है हमारे? 6 सैंपल है, ठीक है। 4 क्या है? मेटल है और 2 नॉन मेटल है, ठीक है। तो 6 टेस्ट ट्यूब तो हमें चाहिए ही चाहिए कम से कम। जो 6 के 6 टेस्ट ट्यूब में डाल दिया किसी एक में, पहले में जैसे मैग्नीशियम, दूसरे में आयरन, तीसरे में कॉपर, चौथे में एल्यूमिनियम, तो ऐसे करके डाल दिया हमने, पांचवें में 4 कोल और छठे में सल्फर, तो डाल दिया। तो उन पे टेस्ट ट्यूब का नाम लगा लिख दिया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, नाम लिख दिया विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। तो अब ये 6 टेस्ट ट्यूब हमने लगा दी लाइन से ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये 6 टेस्ट ट्यूब हमने लगा दी विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। अब ड्रॉपर से क्या करना है हमने? ड्रॉपर हमने देखा ना, जैसे आई ड्रॉप्स डालते हैं ऐसे ड्रॉपर होता है। ड्रॉपर से हमने क्या डाला? 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पहले क्या डालना है हमने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बताया था? HCl। तो पहले ड्रॉपर से सब में क्या 5 ml हमने क्या डालना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब वन बाय वन। तो पहले इस वाले में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला 5 ml, रुक गए। फिर दूसरे वाले में 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, रुक गए। फिर तीसरे वाले में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, फिर रुक गए। ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली। तो इसके बाद हमने उसे देखना है कि कुछ हो रहा है या नहीं। इफ नो रिएक्शन ऑकर्स इन द कोल्ड सॉल्यूशन, अगर ठंडे में कोई रिएक्शन नहीं होती। अब देखो इसमें से कुछ में रिएक्शन हो सकती है, कुछ में रिएक्शन नहीं हो सकती। इफ नो रिएक्शन ऑकर्स इन कोल्ड सॉल्यूशन, अगर ठंडे में कोई रिएक्शन ना हो, वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली। तो इसे हमने क्या करना है? धीरे धीरे वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली। जेंटली का मतलब धीरे धीरे से हमने क्या करना है? गर्म करना है। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो अब जब जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, मान लो इसमें कुछ भी भरा हुआ है, ये हमारा पहले से जो भी भरा हुआ था, फिर इसमें हमने क्या डाला? ये एसिड डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर इसमें रिएक्शन हो गई नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडे में तो ठीक है, नहीं तो हमने से क्या करा? थोड़ा सा गर्म करा, धीरे धीरे गर्म करा। अब इसके बाद इसका जो, इसमें आपको तो पता नहीं चलेगा लेकिन इसमें कुछ गैसेस प्रोड्यूस हो सकती हैं। इसमें क्या बन गई? कुछ गैसेस बन गई हमारी, ठीक है। तो अब गैस कैसे पता चलेगी? हम इसके बराबर में एक मैच स्टिक लाए, जलती हुई एक मैच स्टिक लाए और इसके बराबर में रखी, ठीक है। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो अब सबके सारी ऐसे सब टेस्ट ट्यूब के बराबर में क्या ला रहे हैं? एक बर्निंग मैच स्टिक। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक। तो सेकेंड टाइम फिर से रिपीट करनी है, वो किसके साथ करनी है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.5। तो फिर से सुनो क्या करा हमने। 6 टेस्ट ट्यूब ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा? 4 में तो मेटल डाली, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर और हमारी आयरन मैग्नीशियम कॉपर और एक मेटल और थी हमारी एल्यूमिनियम। तो ये चारों मेटल डाल दी। तो आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर और एल्यूमिनियम, 4 मेटल डाल दी। इसमें 2 नॉन मेटल्स, 4 कोल और सल्फर डाल दी। अब इसमें क्या करा हमने? इसमें हमने जो है सबसे पहले क्या डाला? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉपर से 5 ml हर एक टेस्ट ट्यूब में, तो ठीक है। तो ये हमारा पहले से जो भी मटेरियल था वो था, फिर हमने ड्रॉपर से इसके ऊपर क्या डाला? 5 ml एसिड, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन हमें दिख रही तो ठीक है, नहीं तो इसको थोड़ा सा क्या करा? स्लोली गर्म कर दिया हमने, हीट कर दिया। सबको ऐसे हीट कर दिया या जिसको नहीं जरूरत है, जिसमें रिएक्शन दिख रही है उसे हीट नहीं किया। अब क्या करना है? सबके माउथ के पास एक मैच स्टिक लानी है और मैच स्टिक लाने के बाद जो है देखना है कि कुछ होता है या नहीं है। तो ऐसे करके हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ करा सब टेस्ट ट्यूब के साथ। सेकेंड टाइम यही करना है। तो सबसे पहले हम जो टेस्ट ट्यूब में जो भी चीजें हैं उसे अच्छे से डिस्पोज ऑफ करेंगे। डिस्पोज ऑफ करने का तरीका अलग अलग होता है, वो आपको टीचर बताएगा कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। तो डिस्पोज ऑफ करने के बाद फिर टेस्ट ट्यूब को ड्राई करके फिर से एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि HCl वाली टेस्ट ट्यूब में ही सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालते। HCl वाली टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालेंगे, हमें इन्हें खाली करना है टेस्ट ट्यूब्स को और फिर से एक्टिविटी स्टार्ट करनी है।
ड्राई करके, धो के अच्छे से, फिर ड्राई करके, फिर एक्टिविटी। तो दोबारा हम क्या करेंगे, दोबारा टेस्ट ट्यूब लेंगे, दोबारा वही छह चीजें डालेंगे। अब की बार HCl की जगह क्या डालेंगे, 5 ml H2SO4, ठीक है। और देखेंगे कि किस किस में रिएक्शन हो रही है, जिसमें रिएक्शन नहीं हो रही उसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद उसके माउथ के पास में क्या लाएंगे, एक मैच स्टिक, और देखेंगे कि क्या होता है। तो इस तरीके से ये हमारी एक्टिविटी हो गई है। अब ठीक है, एक्टिविटी, और उसके बाद क्या करना है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.5। तो इसको ऑब्जर्वेशन को हमने इसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। अब देखो, इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, व्हाट कुड पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर टू द माउथ ऑफ द ट्यूब्स। सो हमने देखा कि क्या मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है या नॉन मेटल, ठीक है, क्या उनमें कोई डिफरेंस है रिएक्ट करने में, यस डिफरेंस है, डिफरेंस है। और क्या चीज है जिसकी वजह से ये पॉप साउंड आती है, पॉप साउंड का मतलब एकदम से रिएक्शन होती तेजी से, तो एक आवाज आती है, एक आवाज आती है, तो वो आवाज क्या है, जब हम बर्निंग मैच स्टिक पास में ले जाते हैं। यू मस्ट हैव फाउंड, तुमने देखा होगा कि नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, तो नॉन मेटल्स क्या है, एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती है, नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, मेटल्स किसके साथ, एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, तो क्या बन जाती है, हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन गैस को जब बर्न करती है तो वो साउंड के साथ बर्न होती है, पॉप साउंड के साथ, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कॉपर क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉपर जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो अब हम टेबल भरते हैं, कि टेबल भर के देखते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअल, ठीक है, टेबल भरते हैं। तो वापस आते हैं हम अपनी टेबल पर। तो देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है, मैग्नीशियम जो है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, यस करेगा, और क्या मिलेगी हमें, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और वार्म करने पे क्या होगा, कोल्ड में रिएक्शन हो रही तो वार्म में तो होगी होगी, और हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी, बट ये क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी रिएक्शन, वार्म वाली रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट, ठीक। ये जो है नॉर्मल होती है, ये क्या हो जाती है, फास्ट। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यस, क्या देगा हमें, हाइड्रोजन गैस। और ये सिंबल किसका बताया था मैंने, अप एरो वाला, गैस का। वॉर्म में क्या होगा, वॉर्म में भी हाइड्रोजन गैस मिलेगी, बट ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फास्ट, ठीक है, फास्ट हो गई। सेम एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम में भी हमें H2 मिलेगी, गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। और वॉर्म में क्या हो जाएगी, रिएक्शन H2 गैस मिलेगी, लेकिन वो रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट। अब रूम टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या मिलेगा, H2 गैस, ये गैस का सिंबल है, यहां पे भी H2 गैस मिलेगी, कैसे मिलेगी, फास्ट, तेज हो जाएगी रिएक्शन। आयरन फिलिंग्स रिएक्ट करेंगी, यस, और क्या मिलेगा, H2 गैस, हियर ऑल्सो H2 गैस, बट फास्ट, फास्ट मिलेगी, ठीक है। इधर भी क्या मिलेगी, H2 गैस मिलेगी, और इस वाले में भी क्या मिलेगी, H2 गैस मिलेगी, और ये रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट, ठीक है। इन सब केस में हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस, जो ऑक्सीजन के साथ कैसे, पॉप साउंड की तरह बर्न होती है, पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस के साथ। जैसे हम इसके पास मैच स्टिक लाएंगे तो ये क्या होगी, पॉप साउंड के साथ बर्न होने लगेगी। अब कॉपर क्या है, कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं, वार्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं देगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन देगा, क्या मिलेगी, फिर से H2 गैस मिलेगी, और इसमें भी H2 गैस मिलेगी, और ये वाली रिएक्शन क्या होगी, दूसरी वाली वार्म वाली फास्ट होगी कोल्ड से, और ये सारे के सारे नॉन मेटल्स कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, नो रिएक्शन, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गए, नो रिएक्शन। तो आपने देखा कि नॉन मेटल्स का कोई रिएक्शन नहीं है, बट मेटल्स क्या देती हैं, मेटल्स हाइड्रोजन गैस देती हैं जो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। नॉन मेटल्स नो रिएक्शन, मेटल्स
हाइड्रोजन गैस, पॉप साउंड।